बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एड्रेसिंग स्कीम्स की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक वेब ब्राउजिंग का, जिसमें हम वेब टर्मिनोलॉजीज जैसे कि www, वेबसाइट्स, URL, सर्च इंजन वगैरह की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है वेब ब्राउजर्स। दोस्तों, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? जिस तरह आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, उसके तमाम पार्ट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है जिससे आप उस कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप उस कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, उसमें इंटरनेट भी है, लेकिन जब तक उसमें वेब ब्राउजर्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। विच मीन्स कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनेट पर अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन को देखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो है ये वेब ब्राउजर्स। और दोस्तों, ये वेब ब्राउजर की डेफिनेशन देखिए। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। यानी वेब ब्राउजर्स एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट तक की रसाई देता है, यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करने की रसाई देता है और इंटरनेट को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको मकतब की वीडियोस देखनी है तो आप सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, फिर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, और उस पर टाइप करेंगे www.maktab.pk, तब जाकर आपको आपका मतलूबा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आपके पास इंटरनेट भी था, लेकिन उस इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, उस इंटरनेट से अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आपको जरूरत पड़ी एक सॉफ्टवेयर की, और वो सॉफ्टवेयर कहलाता है वेब ब्राउजर्स। और फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर का रियल पर्पस क्या होता है, उसका असल मकसद क्या होता है, तो ये देखिए। द वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that is used to search, retrieve and display contents or web pages on the world wide web. यानी जब भी आपको किसी भी शोबे से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है थ्रू द इंटरनेट, तो आप उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले सर्च करते हैं अपने वेब ब्राउजर्स पर। अब वेब ब्राउजर क्या करता है, उसे एक जगह पता है जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी है वेब पेजेस की शक्ल में। वो उस जगह पर जाता है, इंफॉर्मेशन को पहले निकालता है, देन यूजर यानी आपके सामने उसको डिस्प्ले कर देता है, और वो जगह जहां तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो जगह कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो डियर फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर के तीन काम है, इंफॉर्मेशन को सर्च करना, रिट्रीव करना यानी निकालना, कहां से, वर्ल्ड वाइड वेब से, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको दिखा देना। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब का, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? दोस्तों, ये वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख दूं www, तो यकीनन आप में से हजारों लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। कहाँ, आइए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे यूट्यूब पर वीडियोज देखें, कोई कुकिंग का चैनल वगैरह देखें, या कुकिंग की वेबसाइट देखें, क्रिकेट की वेबसाइट हो, हत्ता के फेसबुक या फिर गूगल, ट्विटर, कुछ भी हो, आपको सबसे टॉप पर इस जगह इस तरह का www नजर आएगा। और अक्सर लोगों को ये धोखा भी हो जाता है कि ये इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट पर आप कुछ भी करें, कुछ भी सर्च करें, आपको ये हर वेबसाइट पर ये www लिखा हुआ नजर जरूर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा कि ये इंटरनेट नहीं है, बल्कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, इंटरनेट दरअसल बंच ऑफ नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे, इंटरनेट के जरिए। लेकिन अगर अब इन कंप्यूटर को कुछ सर्च करना है, मकतब की वीडियोस देखनी है, क्रिकेट की अपडेट्स मालूम करनी है, फेसबुक इस्तेमाल करनी है, तो ये तमाम सर्विसेज जो फराहम करेगा वो कहलाएगा www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब के पास ये सर्विसेज कहाँ से आती हैं? तो दोस्तों, ये तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं वेब सर्वर्स में। किस शक्ल में?
वेब पेजेस की शक्ल में। अब आपको यूट्यूब से कोई वीडियो देखनी है तो वो यूट्यूब के सर्वर में होगी, इसी तरीके से अगर आपको फेसबुक इस्तेमाल करना है तो वो फेसबुक के सर्वर में मौजूद होगा, गूगल से कुछ सर्च करना है तो वो गूगल के सर्वर में होगा, और इसी तरह तमाम सर्विसेस अपने अपने सर्वर्स में वेब की शक्ल में मौजूद होंगी। और दोस्तों याद रखिए, जब एक ही तरह के तमाम वेब पेजेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं, तो ये पूरे तमाम पेजेस कहलाते हैं एक वेबसाइट। तो डियर फ्रेंड्स, आसान लफ्जों में इंटरनेट तमाम कंप्यूटर्स को रास्ता फराहम करता है कि वो उन सर्वर्स तक पहुंच सके और उन सर्वर्स में मौजूद उन सर्विसेज को, उन वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सके। और उन सर्वर्स में पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट्स मौजूद हैं, इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब का नाम इसको दिया गया है। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोटोकॉल यूज करता है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी आप जब भी कोई भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो इंटरनेट पर आपको इस तरह का HTTP जरूर लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि आपको www से पहले नजर आएगा। तो दोस्तों, और ये www से पहले इसीलिए लिखा हुआ है कि ये बताता है कि मैं वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह हर प्रोटोकॉल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के मुताबिक, यानी HTTP के मुताबिक, जो भी वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स इंटरनेट पर आपको शो होंगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो HTML होगी, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी। यानी जो भी आपको वेब पेजेस इंटरनेट पर आपको शो हो रहे होते हैं, उन तमाम वेब पेजेस की जो लैंग्वेज होती है जिसमें वो लिखे हुए होते हैं, वो HTML। दोस्तों, अब होता क्या है, ये तमाम वेब पेजेस, ये तमाम वेबसाइट्स जो होती हैं, ये किसी एक वेब सर्वर में मौजूद नहीं होती, बल्कि अलग अलग वेब सर्वर्स में होती हैं, और एक सर्वर में कई हजारों वेबसाइट्स मौजूद होती हैं। तो उन्हें एक दूसरे से अलग रखने के लिए हर वेबसाइट को अलग अलग एड्रेस दिया जाता है, जो कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उन्हें देती है। और अगर आप अपनी मतलूबा सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो एड्रेस याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेसबुक इस्तेमाल करनी है तो आपको www.facebook.com याद रखना होगा। इस तरीके से यूट्यूब के लिए यूट्यूब का एड्रेस याद रखना होगा। यानी जो भी वेबसाइट आप यूज करना चाहते हैं, आपको उसका नेम एटलीस्ट जरूर याद रखना होता है। तो दोस्तों, उस एड्रेस को, यानी जो एड्रेस ISP तमाम वेबसाइट्स को देती है, उस एड्रेस को इंटरनेट की जुबान में कहा जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और आपने इसको कई बार देखा होगा, यानी आपको आपके इंटरनेट के पेज पर जब भी आप कोई भी पेज सर्च कर रहे होते हैं तो टॉप पर आपको ये जरूर URL नजर आया होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये तमाम वर्ड्स हैं क्या। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले www से पहले ये HTTP लिखा हुआ है, ये कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस तरह इंटरनेट पर हम कोई फाइल ट्रांसफर करें उसका अलग प्रोटोकॉल होता है, कोई ऑडियो वीडियो चैटिंग करें उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वेब, यानी हमारी वेबसाइट्स किस तरह काम करेंगी, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि इस HTTP प्रोटोकॉल में डिफाइन होते हैं। इसीलिए ये पहला वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल। यानी जहां भी आपको ये HTTP नजर आएगा, उसके बराबर में आपको ये www जरूर नजर आएगा, जो कि ये बता रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल हूं। इसके बाद डबल स्लैशेस के बाद है www, जो कि ये बताता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह। तो ये होता है सर्वर नेम, जो कि आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये तमाम सर्विसेज पड़ी होती हैं वेब सर्वर्स में। इन शॉर्ट, URL में HTTP हो गया प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल किसका है? वो प्रोटोकॉल www का है। और www किस सर्वर की है? वो गूगल की है, इंटरनेट की है, याहू की है। तो वो ये चीज बताती है, जो कि होता है डोमेन नेम, जो कि हमने पीछे भी देखा था कि ये होता है होस्ट नेम और ये होता है डोमेन। तो होस्ट नेम आपको ये बताता है कि ये किस सर्वर का, क्या कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। और डोमेन नेम ये बताता है कि ये जो होस्ट है ये किस टाइप का है, कमर्शियल यूज का है, अगर ये .gov है तो गवर्नमेंट यूज का ये सर्वर होगा, इसी तरीके से .edu है तो ये जो आपका होस्ट है ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें डिफाइन होती हैं आपकी
URL में। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज जानी, जैसे कि URL क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह। लेकिन दोस्तों जब भी कभी आप कोई वेब ब्राउजर खोलते हैं तो सबसे पहले आपको एक इस तरह का एक सर्च बार नजर आएगा। ये सर्च बार दरअसल कहलाता है सर्च इंजन। अब डियर फ्रेंड्स, सर्च इंजन क्या होता है? दोस्तों सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट यूजेस पावरफुल डेटा सर्चिंग टेक्निक्स। यानी सर्च इंजन भी एक वेबसाइट होती है, लेकिन ये दूसरी वेबसाइट से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये इस तरह की वेबसाइट होती है जिस पर आप किसी और वेबसाइट को सर्च करते हैं। यानी ये इस तरह की वेबसाइट होती है जिस पर आप किसी और वेबसाइट का नाम लिखते हैं और फिर उस वेबसाइट के कंटेंट्स आपको दिखने लग जाते हैं। यानी दोस्तों जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उन पर आप सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि उस वेबसाइट पर पड़ी इंफॉर्मेशन को देख सकें, लेकिन सर्च इंजन्स पर आप इसीलिए जाते हैं ताकि किसी दूसरी वेबसाइट को सर्च करके उस पर पड़ी इंफॉर्मेशन को देख सकें। यानी सर्च इंजन का काम क्या होता है? टू हेल्प यूजर टू लोकेट वेबसाइट्स कंटेनिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंटेंट्स और इंफॉर्मेशन इज नोन एज सर्च इंजन। तो डियर फ्रेंड्स, सर्च इंजन्स इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स के इंडेक्सेस को अपने पास मेंटेन करती है। इसीलिए जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी होती है, आप बस उसका कीवर्ड उस सर्च इंजन पर टाइप करते हैं इस तरीके से, और फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो सर्च इंजन आपको शो कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था सर्च इंजन, जिसका काम होता है कि यूजर ने जो भी कीवर्ड उस सर्च बार पर लिखा है उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो यूजर के सामने पेश कर दे। तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम वेब टर्मिनोलॉजीज थी जिसमें हमने सीखा कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इंटरनेट तक की रसाई देता है। इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं होता, ये वर्ल्ड में पड़ी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, सर्वर्स में मौजूद जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे दुनिया में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको उनसे कनेक्ट करवाता है। इसके अलावा हमने वेब पेजेस देखे, तो वेब सर्वर्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वेब पेजेस की शक्ल में होती है, और उन वेब पेजेस की जो प्रोटोकॉल उन वेब पेजेस पर अप्लाई होता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है, और HTTP प्रोटोकॉल के अंदर हर वेब पेज की जो भी लैंग्वेज होती है वो HTML होती है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इस तरीके से जब तमाम वेब पेजेस इंटरलिंक होते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाते हैं, और आखिर में हमने URL और सर्च इंजन आपको डिफाइन किया। तो दोस्तों ये थी वेब टर्मिनोलॉजीज। अगले लेक्चर में हम ईमेल सिस्टम की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।